3.8 किलोमीटर फ्रॉम हियर। तो अब ऐसे आपको ये हॉस्पिटल सम रीजन बहुत पसंद आ गया है। वेलकम गाइस टू माय अनदर वीडियो, माय नेम इज रवि एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग डायरी। In my previous video, I was telling you guys, I would let you know the reason of the travel to Subic Bay. Everyone at some point of life might have taken a delivery of a two-wheeler or a four-wheeler. I am here to do exactly the same, but I am not here to take over a two-wheeler or a four-wheeler. I am here to take over 1,14,000 metric ton Aframax size crude oil tanker. What does that mean? Have a look. So the guys, that was the ship which I came to take. Presently the vessel is under construction, so we are only three guys who have come for a complete inspection of the vessel. This video is not about the delivery of the vessel, it's something else. It's about in search of Desi Kanna in Subic Bay. So right now I'll be going to Abhay's cabin and I'll ask whether he's interested in having some Indian food. We're searching for some Indian restaurant in Subic Bay. So without any further delay, let's start the video. Yeah, Abhay. Hello guys. कितने दिन हो गए हम सुबिक बे आके? 20 दिन हो गए. अरे करीबन 20 दिन हो गए सुबिक बे में आके और हम इधर का सिर्फ लोकल खाना खा रहे हैं. So पिछले चार दिनों से हम क्या खा रहे हैं? फ्रूट सलाद खा रहे हैं और सूप पी रहे हैं. सही है यार, फ्रूट खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं और सूप पी रहे हैं. और सच्ची का बोल रहा हूँ, पी के पक चुके हैं, लिटरली पक गए हैं. तो अभी कुछ नया ढूंढेंगे, वो भी देसी खाना. देखता है यार हमको देसी खाना मिलता है कि नहीं. मिल जाएगा. कोशिश करेंगे हम, जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई देसी खाना हमको सुबिक बे में. टेक्सास जो क्रैब एंड बली. अरे ऊपर देखो, ऊपर मैप में कुछ दिखा रहा है, करी लीफ. 3.8 किलोमीटर फ्रॉम हियर. अपनी टैक्सी तो आ गई है अभी और हम जा रहे हैं बेल मोंटे. आप ये सब तो बिजी है, कुछ फोटो खींच रहे हैं, पता नहीं किसकी, पता नहीं एमरजेंसी. ये तो हॉस्पिटल की फोटो खींच रहे हैं, एमरजेंसी. कुछ दिन पहले चक्कर काटना पड़ा ना इधर. कुछ दिन पहले अभी का ना तबीयत खराब हो गया था, सडनली सो रहे थे और फीवर पहुंच गया 102.6. तो रात के 12 बजे हम भागे थे इधर हॉस्पिटल में अभी साहब को दिखाने के लिए. बच्चे का बोलता फिलीपींस के जो हॉस्पिटल जो पैसा निकालते हैं ना पॉकेट से, सही निकालते हैं ये लोग. हम आए थे इसे 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के लिए इन्होंने हमसे चार्ज किया $200. तो अभी साहब को ये हॉस्पिटल सम रीजन बहुत पसंद आ गया है. इधर के टैक्सी ड्राइवर को भी पता नहीं वो रेस्टोरेंट किधर है, पर फिलहाल अपने पास है गूगल मैप्स जिंदाबाद. तो अब हम करी लीफ रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं. मजा आ गया, देख के खुश हो गए. रेस्टोरेंट का नाम देख के हम खुश हो गए, फाइनली कुछ इंडियन खाना मिलने वाला है हमको. एक्सक्यूज मी, यस सर, कैन आई टेक योर ऑर्डर प्लीज? अरे आधा घंटा हो गया है खाने के लिए वेट कर रहे हैं हम और खाना आ नहीं रहा है. आएगा, थोड़ा सा सब्र करो. अवे साहब तो हर वक्त बोलते सबर करो और सबर कर ही रहा हूँ मैं आधे घंटे से. जब आएगा तो मजा आएगा. फाइनली पेशेंस का पल मीठा होता है. खाना आ ही गया हमारा फाइनली यार, देसी खाना सूबी बे में. देखो चावल, सांभर, दाल और आलू पराठा. अरे वाह, ये भी है चिकन कबाब. अरे भाई देख के ही खुश हो गया मैं तो, देख के पेट भर गया मेरा आज. चलें शुरू. 20 दिन हो गए हैं और उसके बाद हम खा रहे हैं देसी खाना पेट भर के. अभय है ना वेजिटेरियन खाने वाले हैं, क्योंकि आज क्या है, आज है जो भी है नहीं याद रखने का ये सब. आज क्या है, वेनसडे? मंडे. आज है मंडे, तो मंडे है. अभय साहब खाते हैं वेजिटेरियन, नॉन वेज छूने वाले हैं नहीं. और मैं दबाऊंगा पूरा चिकन कबाब इनके सामने. कुछ शर्म नहीं आ रही है? शर्म तो आने की जरूरत ही नहीं है. हम्म,
मैं कल दबाऊंगा इसको। खाना देख के दिल खुश हो गया, अब खा के कैसा मजा आएगा पता नहीं। सही है, खाने के सामने ना शर्म नाम की चीज़ को ना साइड कर देने का, बाने का खाना। तो भाई यहाँ पर एक फिलिपिनो बंदा बनाता है इंडियन खाना, तो सोचो अगर हम इंडियन बंदे को दे लेके आ जाए इंडियन खाना बनाने के लिए, मजा ही कुछ और है ना, क्या बोलते हैं? लेकिन बना बढ़िया, बढ़िया बनाया, अच्छा लग नहीं रहा कि भाई किसी फिलिपिनो बंदे ने बनाया इंडियन खाना, तो लग रहा है कि जैसे देसी बंदे ने बनाया देसी खाना। तो गाइस वी आर डन विद लंच। जब देसी खाना खाने के लिए मिलता है ना बंदे लोग दबाते हैं, और हमने वही किया, पूरा प्लेट साफ हो गया है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हाँ फिलहाल 3 पीस तो मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि आज अभी नॉनवेज नहीं खाते, उनका कोटा था वो, तो मैंने खाया नहीं तो मैं नहीं खा सका। तो कैसा लगा आपको खाना आज? खाना तो बढ़िया था, लेकिन ये 3 पीस तो दबा सकते थे। नहीं नहीं, इसके आगे तो मैं कुछ भी नहीं दबा सकता, बहुत दबा के खाया है, मज़ा आ गया खाना खा के। अभी फ़िलहाल अभी हमारा टाइम है होटल जाने का, और हम जाने वाले हैं होटल में यहाँ की चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड में। देखिए आपको भी मैं दिखाता हूँ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड इन सुबिक बे। तो गाड़ी के साथ और एक व्हील जोड़ दिया इन्होंने, और इसको बोलते हैं ये लोग ट्राईसाइकिल, और आज हम जाने वाले हैं अपने होटल इस ट्राईसाइकिल पे। अभी जाने वाले हैं अंदर बैठने के लिए, और उसके बाद मैं जाऊंगा अंदर। देखिए क्या, देखिए देखिए कैसे बैठना पड़ता है। अरे वाह मेरे भाई, अरे दो लोग तो बस बैठे हैं, सच्ची का बोल रहा हूँ, ज्यादा देर तक नहीं बैठा नहीं सकते, रोक दो हम होटल जल्दी पहुंच जाए। आपको कैसा लगा ये ट्राईसाइकिल का राइड? ये तो ठीक लगा, बट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल ही डेंजरस है, छोटा राइड था, मजा तो आ गया, पर बस 10 मिनट के अंदर पूछो मत पिछवाड़े की कैसी लगी पड़ी है। इफ यू गाइस आर देयर इन सुबिक बे एंड वुड लाइक टू ट्राई आउट सम इंडियन क्यूसिन, प्लीज डू विजिट करी लीफ ऑथेंटिक इंडियन क्यूसिन। इट्स अ फिलिपिनो कुक हु इज मेकिंग इंडियन फूड, बट द टेस्ट इज रियली गुड। So it's a thumbs up for the food. So guys, that was the end of this video. Hope you enjoyed the video. If so, please do like, subscribe and comment your feedback in the comment section below. Really thanks for watching. Be safe, stay safe, peace.